गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी आउटलुक, 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आप स्टॉक रिलेटेड रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी को अराउंड 19,300 का सपोर्ट मिल रहा है और 19,500 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को अराउंड 44,700 का सपोर्ट मिल रहा है और 45,800 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे के बारे में। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो होल्डिंग पीरियड है इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। सबसे पहला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, आप इसे बाय कर सकते हैं अराउंड 1097 पर। स्टॉप लॉस 1060, पहला टारगेट 1135 और दूसरा टारगेट 1170 पर रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 1012 पर। स्टॉप लॉस 986, पहला टारगेट 1038 और दूसरा टारगेट 1065 पर रख सकते हैं। इसके बाद है मैकडॉवलैंड, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है, आप इसे बाय कर सकते हैं 930 पर। स्टॉप लॉस 913 रख सकते हैं, पहला टारगेट 947 और दूसरा टारगेट रख सकते हैं 965 पर। इसके बाद है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ड है, बाय कर सकते हैं 285 पर। स्टॉप लॉस 276, पहला टारगेट 295 और दूसरा टारगेट 302 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इस BPCL, यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 387 पर। स्टॉप लॉस 375, पहला टारगेट 399 और दूसरा टारगेट 410 पर रख सकते हैं। उन कॉल्स की बात करें जो हमने आपको रिकमेंड किए थे पिछले दिनों में, तो देखते हैं उनका परफॉर्मेंस, जिसमें कि टेकम वेंट अप 2.4%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वेंट अप 1.7%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। चलिए अब नजर डाल लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, KEC इंटरनेशनल और सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस के बारे में। RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन्होंने एक नया ऑर्डर बैक किया है जो वर्थ ₹289.30 करोड़ है फ्रॉम NHAI। KEC इंटरनेशनल ने भी न्यू ऑर्डर बैक किया है, दैट इज़ वर्थ ₹1,042 करोड़ अक्रॉस वेरियस बिजनेसेस। वहीं सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस टू रेज अप टू ₹450 करोड़ बाया राइट इशू। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन स्टॉक से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा थ्रू आउट द डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके फीडबैक हमेशा की तरह हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।